डायबिटीज के मरीजों के लिए जो मैं मसाले इस वीडियो में बताने वाला हूं वो एक संजीवनी की तरह काम करते हैं, जो कि इस गर्मी में भी आपकी ब्लड शुगर को तेजी से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे हम खान पीन के द्वारा काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और खुद भी बचे रह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, और जिसकी इंसुलिन की अगर कमी होती है तो हमारा शरीर सूखने लगता है। साथ में जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो ये इंसुलिन होता है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और साथ में हमारा अनहेल्दी खान पान और अनियमित दिनचर्या की वजह से भी काफी ज्यादा लोगों में कम उम्र में ही ब्लड शुगर की समस्या हो रही है। साथ में यदि हमारे कुछ पेरेंटल हिस्ट्री है, जेनेटिक कॉज है, जैसे कि हमारी मम्मी पापा बहन भाई को अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो हमें होने की वो संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो टिप्स बताए जाते हैं उन्हें आप फॉलो करते रहिएगा, और थोड़ा कुछ परहेज रखिएगा, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखिएगा, तो आप भी काफी हद तक जो शुगर की बीमारी है उससे बचे रह सकते हैं। और यदि आपको शुगर हो गई है और जो तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं यदि आप उनको फॉलो करते रहेंगे तो आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहती है। इसमें सबसे पहला जो मसाला जो हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध है वो है दालचीनी, क्योंकि दालचीनी हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देती है, साथ में हमारी सेहत को भी बहुत अच्छा रखती है, और इसमें जो मौजूद बायो एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं, तो रेगुलरली इस्तेमाल करिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का लहसुन है, जिसमें जो काफी ज्यादा मात्रा में सल्फर की अच्छी मात्रा इसके अंदर होती है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल रखता है, तो अपने मसालों में खाने में इसको भी शामिल रखिएगा। और मेथी दाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी दाना बहुत ही कारगर होता है, इसमें मौजूद जो फाइबर्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, वो ब्लड शुगर के अवशोषण की मात्रा को कम कर देते हैं। यदि ब्लड शुगर हमारे शरीर में जाएगी नहीं तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है, ये शुगर के पेशेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है मेथी दाना, तो रेगुलरली इस्तेमाल करिएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका अदरक, जो कि एंटी डायबिटिक और एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो हमें सर्दी खांसी से बचाती है, साथ में आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है, तो रेगुलरली इस्तेमाल करिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका करी पत्ते, जो कि करी पत्ते होते हैं काफी ज्यादा मिनरल्स से भरपूर होते हैं, ये भी आपकी जो ग्लूकोज को कंट्रोल करके आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार है, तो आप करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और डायबिटीज की बीमारी से बचे रहने के लिए आपको इन संजीवनी मसालों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो समय समय पर मिलती रहे। वीडियो खत्म करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर एके सिंह, और यहां पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। डायबिटीज के संबंध में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा, आप चाहे तो उन वीडियो को भी पूरा पूरा देख सकते हैं। यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।